अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो सब। मैं हूँ कमाल शाही, आप लोग देख रहे हैं ट्रिक्स बैंक चैनल। आप सब लोगों के साथ मैं डेली बेसिस पे डिफरेंट इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स शेयर करता हूँ, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायो का। अब कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह मैं इंग्लिश के डिफरेंट ट्रिक्स भी स्टार्ट करूँगा। इससे पहले मैंने जितने भी शॉर्टकट शेयर किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सिर्फ उस पर प्रैक्टिस करें, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम इजी मेथड से सॉल्व होंगे। आज का जो हमारा शॉर्टकट है 40 लाख के टॉपिक से रिलेटेड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अक्सर इस तरह एमसीक्यूज़ टेस्ट में आता है कि द टेम्परेचर ऑफ 273 ml गैस इज रेज फ्राम 0 degree टू 1 degree, न्यू वॉल्यूम विल बी 273 + 1 = 273, बी ऑप्शन 274, 273 + 274 / 273। इस तरह ऑप्शन गिवन हो आप लोगों ने फिर सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बुक नोट्स वगैरह में ये बहुत कन्फ्यूजिंग मेथड से किया है, वहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट करें, यहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट करें। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा ट्रिक लिखता हूँ, सिंपल सा शॉर्टकट लिखता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर इसको अप्लाई करें आपके बहुत सारे एमसीक्यूज बहुत इजी मेथड से सॉल्व हो गए। आप लोग फर्स्टली एमसीक्यूज को जो है 2-3 टाइम रीड करें और इसको समझें, फिर उसके मुताबिक उस पर डिफरेंट शॉर्टकट जो है वो यूज़ करें। तो इस एमसीक्यूज़ के लिए आपने कौन सा शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है, यहाँ पर अगर आप देखें आप लोगों के साथ क्या है कि टेम्परेचर राइज फ्राम 0 degree टू 1 degree, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 1 degree आ गया है। अब अगर 2 degree हो तो फिर चेंज इन टेम्परेचर आप लोगों के साथ टू होता। अब ट्रिक ये है कि वी टी मतलब है टोटल वॉल्यूम, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम गिवन हो, आप लोग चेंज इन टेम्परेचर फाइन करें, उसके बाद न्यू वॉल्यूम क्या होगा। तो वी टी इज इक्वल टू 273 + डेल्टी। डेल्टी हमारे पास यह चेंज इन टेम्परेचर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसको याद करें, फिर आप लोग इस पर वैल्यू पुट करें, आप लोगों के पास आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पर डेल्टी क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब पहले कितना टेम्परेचर हो और बाद में क्या कितना टेम्परेचर हो, इस तरह वो डिफरेंस फाइंड करें और यहाँ पर पुट करें, आप लोगों के पास आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन को देखें, वहाँ पर हमारे पास गिवन है कि द टेम्परेचर ऑफ 273 ml राइज फ्राम 0 degree टू 1 degree। अब यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करें, चेंज इन टेम्परेचर हमारे साथ इक्वल होते हैं फाइनल माइनस वन, फाइनल टेम्परेचर 1 है और इनिशियल 0, सो 1 - 0 इससे आता है 1, इसका मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास किया गया 1 आ गया। अब सिंपल और सिंपल आप लोग सिर्फ ये वैल्यू शॉर्ट ट्रिक में फूट करें, वहाँ पर डेल्टी की जगह 1, आप लोगों के पास आंसर खुद ब खुद एजी मेथड से आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर 2 होता तो फिर आपने 2 - 0 करता तो आप लोगों के पास 2 आता, फिर आप लोगों ने यहाँ पर 2 पुट करना था, इसलिए यहाँ पर 1 डिफरेंस क्यों है तो 1 लगाए, तो इसका मतलब है कि चेंज न्यू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 273 + 1 274, दिस इज़ द आंसर। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सिंपल और सिंपल इस ट्रिक को यूज़ करें, सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करें और यहाँ पर पुट करें, आप लोगों के साथ आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। इस तरह इस पे एक और एमसीक्यूज है, जब ओरिजिनल वॉल्यूम आप लोगों के पास कभी 546 आ जाए फिर आप लोगों ने कौन सा ट्रिक यूज़ करना है। इसके लिए मैं जो एक और शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के पास आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग उसको ज़रूर देखें। थैंक यू।